नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। अगली सुनवाई इस महीने की 21 तारीख को। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वाहनों से उत्सर्जन संबंधी मानदंड BS6 अगले वर्ष अप्रैल से होंगे लागू। FATF के एशिया प्रशांत ग्रुप ने कहा, पाकिस्तान ने हाफिज सईद और अन्य आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल नहीं किया। पुर्तगाल के आम चुनाव के एग्जिट पोल में भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान। और देश भर में महानवमी की धूम। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वो और पेड़ों को न गिराए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस मामले में एक पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि अब और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने एक छात्र ऋषभ रंजन के प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र को ही जनहित याचिका मानकर मामले की सुनवाई कर रहा है। इसमें मुंबई मेट्रो रेल निगम द्वारा मेट्रो शेड के निर्माण के लिए आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आरे स्थित वन भूमि को गैर वर्गीकृत वन माना है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरे वन ऐसा इलाका है जिसमें विकास संबंधी गतिविधियां नहीं हो सकती और ये पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में पर्चे वापस लेने का आज अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के 17 उम्मीदवार अपना नाम वापस ले चुके हैं। हरियाणा में आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन गुरुग्राम से विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत के बाद नामांकन वापस लेने का फैसला किया। अनीता अग्रवाल ने उमेश अग्रवाल का टिकट कटने पर निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। अम्बाला छावनी से JJP उम्मीदवार गुरुपाल सिंह माजरा ने भी भारतीय जनता पार्टी के हक में नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। वे कल ही वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अभी तक हरियाणा में कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। उधर महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 5,543 पत्रों में से 4,739 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए इस महीने की 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 24 तारीख को होगी। दोनों राज्यों में चुनाव गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। पुडुचेरी में अन्ना द्रमुक पार्टी विधायक दल के नेता अमनजगन ने मुख्यमंत्री नारायण स्वामी पर कामराज नगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रविवार रात को मुख्यमंत्री ने एक सरकारी भवन में कांग्रेस पार्टी के बारे में गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भी वोट मांगे। जम्मू कश्मीर में इस महीने के 31 तारीख को राज्य के इतिहास में एक नया राजनीतिक अध्याय जुड़ जाएगा, जिसमें विकास संबंधी मुद्दों और राज्य के बारे में सही जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा के राज्य प्रवक्ता अश्विनी चुंगू ने आकाशवाणी को बताया कि अब आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता को राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए दुनिया भर के उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के करीब 1,17,000 सैन्यकर्मी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डाक मतदान प्रक्रिया के तहत मतपत्र भेजे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता
इन मतपत्रों को डाउनलोड कर अपना वोट देने के बाद उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देगा, जो इसे डाक से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी के पास भेजेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत अप्रैल 2020 से वाहनों से उत्सर्जन संबंधी भारत चतुर्थ चरण यानी BS4 की जगह BS6 मानदंडों को अपना लेगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 से दिल्ली में BS6 मानदंडों का पालन करने वाले वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली में BS6 पेट्रोल पहले से ही मिलने लगा, पेट्रोल डीजल और NCR में भी मिलने लगा, और BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स आएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि यातायात की प्रदूषण में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। इसके दोनों के लिए रिफाइनरीज में 60,000 करोड़ का निवेश केंद्र सरकार ने किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी से होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से निकालने के लिए पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 113 वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी केंद्र हैं और 29 को शीघ्र ही स्थापना की जाएगी। कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखों का विकास एक ऐतिहासिक कदम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के उपाय भी किए गए हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने 1150 करोड़ रुपए अनुदान देकर विशेष 18,000 मशीन अभी दिए हैं पंजाब हरियाणा में किसानों को, जिससे वो पराली जलानी नहीं पड़ेगी, उसी के टुकड़े टुकड़े होकर वो उसी खेत में खाद के रूप में उपयोग होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वे कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। इसके बाद वो मेरिन्याक में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ रफाल लड़ाकू विमान सौंपे जाने के समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह कल विजयदशमी के अवसर पर फ्रांस में शस्त्र पूजा भी करेंगे। श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। वे फ्रांस के रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अगले वर्ष फरवरी में लखनऊ में होने वाली रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने का आग्रह करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन ग्रुप यानी वित्तीय कार्रवाई बल के एशिया प्रशांत ग्रुप ने निष्कर्ष निकाला है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1267 के तहत हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा तथा अन्य आतंकी गुटों के आतंकियों पर कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। ग्रुप की ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की काली सूची में डाले जाने की संभावना बढ़ गई है। एशिया प्रशांत ग्रुप ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद को वित्तीय सहायता और इसके लिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान करे और उसका आकलन करने के लिए कदम उठाए। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए विस्तृत और समन्वित दृष्टिकोण अपनाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। पुर्तगाल में मतदान के बाद हुए सर्वेक्षणों के अनुसार भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी को आम चुनाव में बहुमत मिलने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार उनकी पार्टी को 1/3 से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। गोवा मूल के कोस्टा को लोग प्यार से बाबुश नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब कोंकणी भाषा में छोटा बच्चा होता है। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित कोस्टा को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में अप्रवासी भारतीय नागरिकता से सम्मानित किया था। टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में कोस्टा ने कहा है कि पुर्तगाल में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। श्रीलंका में अगले महीने की 16 तारीख को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें इस पद के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्य मुकाबला श्रीलंका पीपल्स पार्टी के गोटाबाया राजपक्षे और यूनाइटेड नेशनल पार्टी गठबंधन के सजीत प्रेमदासा के बीच है।
सभी 35 उम्मीदवारों ने आज सुबह चुनाव आयोग के समक्ष अपना नामांकन दायर किया, जिसमें पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे और मंत्री सजित प्रेमदासा शामिल हैं। गोटाबाया पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, जबकि सजित प्रेमदासा पूर्व राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के पुत्र हैं, जो लिट्टे हमले में मारे गए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति और विपक्षी नेता में कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। राष्ट्रपति सिरिसेना के दल ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है और विपक्षी नेता महिंदा राजपक्षे दो बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस चुनाव के लिए योग्य नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। बिहार में कई नदियों का जलस्तर लगातार कम होने के बावजूद बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 1300 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिनमें करीब 700 अकेले पटना में हैं। चिकनगुनिया के 200 से अधिक मामलों का पता चला है। पटना, भागलपुर, नालंदा, सारण और वैशाली के बाढ़ प्रभावित इलाकों से डेंगू और चिकनगुनिया का मामला प्रकाश में आया है। इसे देखते हुए प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है। फ्री हेल्थ कैंप में लोगों का इलाज किया जा रहा है। जल जमाव वाले इलाकों में DDT और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जारी है। फॉगिंग मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। दुर्गा पूजा अनुष्ठान में आज देश के विभिन्न भागों में महानवमी मनाई जा रही है। इस दिन सिद्धिदात्री रूप में महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों और पंडालों में देवी दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे कोलकाता संवाददाता ने खबर दी है कि पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम है। त्रिपुरा में इस बार महानवमी के अवसर पर मंदिरों में पशुओं की बलि नहीं दी जा रही है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पहली बार त्रिपुरा के राजबाड़ी दुर्गा मंदिर, माताबाड़ी मंदिर और चतुर्दश मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई गई। ओडिशा में इस बार पर्यावरण अनुकूल दुर्गा पूजा पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 2 अक्टूबर से एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भुवनेश्वर और कटक समेत राज्य के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा पंडाल लगाए गए हैं। असम में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने का अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद समाज की बेहतरी के लिए बना रहेगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है जल शक्ति अभियान और जल संरक्षण। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-5767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल किया जा सकता है। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई इस महीने की 21 तारीख को होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वाहनों से उत्सर्जन संबंधी मानदंड BS6 अगले वर्ष अप्रैल से लागू होंगे। FATF के एशिया प्रशांत ग्रुप ने कहा, पाकिस्तान ने हाफिज सईद और अन्य आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल नहीं किया। पुर्तगाल के आम चुनाव के एग्जिट पोल में भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान है। और देशभर में महानवमी की धूम है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।